अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडे टॉपिक इज राइट शेप नेम एंड कलर देम। ठीक है, समर वेकेशन होम टास्क हमारे पास ग्रेड क्या है, ग्रेड प्रेप है, पेज क्या है 18 और हमारा डे क्या है 17। नाउ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास कुछ शेप जो है गिवन है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, इनकी ट्रेसिंग करनी है, फ्री हैंड राइट लिखना है और क्या करना है, देन इनमें कलर करने हैं। स्क्वायर जो होता है उसकी जो फोर साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, हम लोग राइट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के क्या स्पेलिंग है, एस क्यू यू ए आर ई, क्या बना, स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसकी ट्रेसिंग की। अब हम लोग फ्री हैंड राइट पे लिखते हैं। क्या हमारे पास है, एस Q U A R E, क्या बना, स्क्वायर। कौन सा है, स्क्वायर। स्क्वायर के क्या होता है, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, S Q U A R E, क्या बना, स्क्वायर। S Q U A R E, क्या बना, स्क्वायर। ऐसी कोई भी गोल शेप जिसकी ऊंचाई और जो चौड़ाई होती है वो बराबर हो, वो हमारे पास क्या होता है, सर्कल। ठीक है, देन कोई भी ऐसी गोल शेप जिसकी ऊंचाई और जो लंबाई इक्वल ना हो वो हमारे पास क्या होती है, ओवल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को राइट करते हैं, सी आई आर सी एल ई, क्या बन गया, सर्कल। ठीक है, अब हम इसको फ्री हैंड राइट में लिखते हैं, सी आई आर सी सी एल ई, क्या बन गया, सर्कल। क्या है, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। सी आई आर सी, सॉरी रेस कर लेते हैं, सी आई आर सी एल ई, क्या बन गया, सर्कल। आगे हमारे पास क्या है, ओवल, ओ वी ए एल, क्या बन गया, ओवल, ओ वी ए एल, क्या बना, ओवल, ओ वी ए एल, क्या बन गया, ओवल। अब हमारे पास कौन सी शेप है, रिक्टेंगल। ठीक है, इसके साथ के हम लोगों ने एक कौन सी की थी, स्क्वायर क्या थी, इसकी जो चारों साइड थी इक्वल थी, लेकिन इसका क्या है, जो रिक्टेंगल है हमारे पास, इसकी आमने सामने वाली क्या है, साइड इक्वल है। अब लोग हम लोग इसको राइट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, आर ई सी टी ए N G L E, क्या बना, रेक्टेंगल। ठीक है, फ्री हैंड राइट में लिखते हैं, R E C T A N G L E, क्या बना, रेक्टेंगल। ठीक है, R R E C T A N G L E, रेक्टेंगल। ठीक है, आगे हमारे पास एक और है, ये कौन सा है, ट्राइंगल। हमारे पास कौन सी शेप है, ट्राइंगल, जिसकी क्या होती हैं, थ्री साइड होती हैं। ठीक है, ट्राई का क्या मतलब होता है, थ्री। ठीक है, हम लोग राइट करते हैं अब ट्राइंगल। ठीक है, T R I A N G L E, क्या बन गया, ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसको फ्री हैंड राइट में लिखते हैं, T R I A N G L E, क्या बना, ट्राइंगल। ठीक है, T R I A N G एल ई, क्या बना, ट्राइंगल। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस पेज को कंप्लीट करना है। ठीक है,
और टू टाइम ड्राफ्ट नोटबुक पे भी लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी शेप है, स्क्वायर है, ठीक है। इसकी क्या करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, देन इसके मिड में कलर करेंगे। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, ऑरेंज किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री बना रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके मिड में कलर करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मिड में कलर कर रहे हैं। हमारा ऑरेंज हो गया कलर कंप्लीट। अब हम सर्कल के लिए कौन सा कलर लेते हैं, स्काई ब्लू कलर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री बनाएंगे, देन इसके मिड में करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं। हमारे स्क्वायर में हो गए कलर कंप्लीट। अब हम लोग लेते हैं कलर, हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, पिंक, और किसके लिए लिया, ओवल के लिए। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनाते हैं, देन इसके मिड में करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हम इसके मिड में कलर करते हैं। हमारे ओवल में हो गए कलर कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारे पास कौन सा है, रेक्टेंगल है। इसके लिए हम लोग कलर पैरेट लेते हैं। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनाएंगे, देन इसके मिड में करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मिड में कलर कर रहे हैं। रेक्टेंगल में हमारा कलर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं ट्राइंगल में कलर। हम लोगों ने इसके लिए कौन सा कलर लिया, रेड कलर। सबसे पहले क्या करें, इसकी बाउंड्री बनाते हैं, देन क्या करेंगे, इसके मिड में कलर करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं। हमारे ट्राइंगल में कलर हो गए कंप्लीट। हमारा टॉपिक क्या था, हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ शेप्स थी वो गिवन थी, हम लोगों ने क्या किया, उनमें कलर किए, साथ हम लोगों ने शेप नेम लिखे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसे अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक पे टू टाइम लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।